डम्बोला थाना क्षेत्र के मेरोप गांव में एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पिता उसे खाना देने गए तो बेटे को फंदे पर लटकता देख होश उड़ गए। वहीं युवक के सुसाइड के कारण को लेकर अब तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। डम्बोला थाना पुलिस के अनुसार मेरोप निवासी शांतिलाल रोत पुत्र रतनलाल रोत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया गया है कि उसका बेटा अनिकेत सेकंड ईयर में पढ़ाई करता है। कल गुरुवार को वे बाइक लेकर डम्बोला गया था। रात को वह वापस घर आया। इसके बाद वे नए पक्के घर में जाकर सो गया। रात करीब 1:30 बजे पिता शांतिलाल उठे। बेटे को खाने के लिए दी गई दाल और रोटी भी नहीं खाई थी। दरवाजे से आवाज लगाने पर भी कमरे से कोई आवाज नहीं आई। इस पर पिता ने पीछे की खिड़की से जाकर देखा तो बेटा अनिकेत पंखे से रस्सी का फंदा लगाकर लटकता हुआ दिखा। इससे पिता के होश उड़ गए। घटना के बाद गांव के लोग इकट्ठे हो गए। सूचना पर डम्बोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को फंदे से नीचे उतारा गया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। हमारे गांव मेरोप में शांतिलाल का पुत्र अनिकेत करके एक लड़का था, जो कल रात को करीबन 1:30 बजे उसने अपने नए मकान पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। सुबह उसके परिजनों ने हमें सूचना मिली। सूचना मिलने पर हमने तुरंत ही प्रभाव से थानेदार को फोन करके इसका अवगत कराया। अवगत कराने के पर अभी पूरी प्रक्रिया करके अभी पोस्टमार्टम हो चुका है, और अभी पोस्टमार्टम होने के बाद लाश को सुपुर्द कर दिया है और सीधी उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। डम्बोला थाना के मेरोप गांव में शांतिलाल करके था उसका पुत्र, रात को कम 2:30 बजे घर के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर वो हॉस्पिटल लेके आए और जिस सूचना मिली थाने में, तो मैं वहाँ मौके पहुँचा और उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिर सुबह आकर पीएम कराया और पंचायत नामा बना के मैं प्रार्थी से रिपोर्ट लेके लाश सुपुर्द की गई। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।